Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Professor Khidr Abbas and you are watching my YouTube channel, Professor Khidr Abbas. On this channel, I'm going to share my knowledge of English with you. And the first introductory lecture is Let's Learn English. It's the series of lectures which says Let's Learn English. Lecture number one, there's introductory lecture, that's introduction of this And first topic is what is language? Zuban kya hai? Language is a medium of communication. Ye kya hai? Pegham rasane ka ek zariya hai. Yani zuban ek aisa medium hai jiske zariye hum apni baat dusre tak pahuncha sakte hain bolkar ya likhkar. Method of communication hai. Aur basic expertise kisi bhi zuban mein jo aapke paas honi chahiye वो कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज लिसनिंग. सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सुनना, यानी यू आर एबल टू लिसन दैट लैंग्वेज. उस जुबान को आप सुन के समझ सकें. दैट मीन्स उस जुबान का एक्सेंट, उस जुबान का अंदाज, उसकी जो रफ्तार है वो आप समझ सकें. यानी हमारा दिमाग जो है वो प्रोसेस करने में टाइम लेता है, तो हमारी इतनी जो है महारत होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है, वो चाहे नेटिव स्पीकर है या नॉन नेटिव स्पीकर है, हम उसकी एक्सेंट से, उसकी रफ्तार से उसकी अंग्रेज़ी को समझ सकें. यानी एबल टू लिसन देन स्पीकिंग. यानी सुनने के बाद आपको बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी कम्युनिकेशन है वो बोलने के ज़रिए होती है. यानी ज़्यादातर ज़ुबान का इस्तेमाल हम बोलने के लिए करते हैं या सुनने के लिए करते हैं. इसके बाद हमें रीडिंग यानी पढ़ना भी आना चाहिए. यानी जिस ज़ुबान को हम सीख रहे हैं उसकी रीडिंग भी हमें आनी चाहिए. और इसके बाद राइटिंग भी है. दैट वी शैल लर्न हाउ टू लिसन प्रॉपरली, how to speak properly, how to read properly and how to write properly. Means English ko humne sahi tarike se sunna hai, sahi tarike se bolna hai aur sahi tarike se likhna hai aur padhna bhi hai. Ab how to learn a language, kisi bhi zuban ko seekhne ke liye aap kis tarah kisi zuban ko seekh sakte hain, kaise aapko jo hai kisi zuban ka ilm ho sakta hai, to uska first method ye hai कि वो ज़ुबान आपकी मदर टंग है, वो आपकी मादरी ज़ुबान है. दैट मीन्स आप पैदा ही वहाँ हुए हैं. यानी इंग्लिश सीखने का जो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है, द बेस्ट मेथड टू लर्न इंग्लिश इज़ टू बी मदर टंग स्पीकर. यानी आपकी मादरी ज़ुबान हो अंग्रेज़ी, आप मदर टंग हो, आपकी मदर टंग जो है इंग्लिश हो. और दूसरा है एज सेकेंड लैंग्वेज. बहुत से मुल्कों में अंग्रेज़ी जो है एज सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है. एज सेकेंड लैंग्वेज जो है वो लोग अंग्रेज़ी को सीखते हैं. जैसे हम पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं, पंजाब की आबादी क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो हम पंजाबी और सराइकी बोलते हैं, तो हमारी मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग जो है वो पंजाबी या सराइकी होती है. और एज ए सेकेंड लैंग्वेज जो है हम उर्दू ज़ुबान को सीखते हैं. क्यों? कि हमने अपने मुल्क पाकिस्तान में रहना है और इसकी कौमी ज़ुबान जो है ये उर्दू है. तो दुनिया के कई मुल्कों में इंग्लिश जो है एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखी और पढ़ाई जाती है, तो वहाँ भी इसका ये फार्मूला है. इसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मीन्स आपको ऐसा माहौल मिल जाए जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हों, इंग्लिश पढ़ते हों, इंग्लिश सुनते हों, तो उस माहौल में रह के आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं. जैसे एक अनपढ़ बंदा भी अगर किसी अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्क में चला जाए तो वहाँ वो अंग्रेज़ी बड़ी आसानी से सीख लेगा. क्यों? कि उसको वो माहौल मिल जाएगा. आपने देखा होगा कि लेबर के लिए, मजदूरी के लिए हमारे लोग जो है वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं और कोई 6 महीने साल लगा के जब वहाँ से वापस आते हैं तो फिर यल्ला यल्ला बोल रहे होते हैं. यानी उनको जो है अरबी ज़ुबान आ जाती है क्योंकि वो उस माहौल में रहते हैं. तो अगर हमें अंग्रेज़ी बोलने वाले माहौल में रखा जाए तो हम अंग्रेज़ी ज़ुबान आसानी से सीख सकते हैं. इसके बाद चौथा तरीका है वो टीचर्स. यानी टीचर्स के ज़रिए आपने सीखनी है. यानी आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं, आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं, आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, इंग्लिश लर्निंग कोर्स ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन जो है लेक्चर्स की सीरीज़ डाउनलोड करते हैं,
कोई ऐप देखते हैं, यानी किसी भी तरह जो है आप गैर रवायती या रवायती तरीके से इंग्लिश सीखते हैं, तो हम जो पाकिस्तानी पीपल हैं, हाउ शैल वी लर्न इंग्लिश? नंबर वन, एज मदर टंग, नो नॉट एट ऑल, ये हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए हम एज ए मदर टंग इसको नहीं सीख सकते। दूसरा है कि एज ए सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी जुबान के तौर पे पाकिस्तान में डेफिनेटली एज ए सेकेंड लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए हम एज ए सेकेंड लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। और थर्ड, एनवायरनमेंट, माहौल जो है वो भी हमें इंग्लिश स्पीकिंग वाला नहीं मिलता। हाँ, कुछ इलीट क्लास के घरों में आपको मिल सकता है माहौल, लेकिन इलीट क्लास के घरों तक रसाई हर बंदे का काम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में हमें इंग्लिश का माहौल भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बाहर कहीं चले गए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर अगर आप शिफ्ट हो गए हैं तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। तो बाकी तरीका बचता है रवायती या गैर रवायती तरीके से सीखने का, तो उस तरीके से हम ज़ुबान में महारत हासिल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की, कि इंग्लिश की अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है एक बैनुल अक्वामी ज़ुबान है। बैनुल अक्वामी का मतलब यह है कि बहुत से मुल्कों में ये बोली जाती है, कुछ मुल्कों में नहीं भी बोली जाती, लेकिन बहुत से मुल्कों में अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाती है। और अगर आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है तो दुनिया के बहुत से मुल्कों में आपका जो कम्युनिकेशन का मामला है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है, यानी बैन अलावामी ज़ुबान के बाद ये कौन सी है, साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है, यानी मैक्सिमम साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जो जदीद इल्म है वो किस ज़ुबान में है, इंग्लिश ज़ुबान में है। द मैक्सिमम नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर ये वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है, ये बड़ी अहमियत की बात है। इंग्लिश जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान नहीं है। अब अगर आप आबादी के हवाले से बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है दुनिया की वो चाइनीज़ बोलती है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्पोकन लैंग्वेज है दुनिया की वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ है। लेकिन चाइनीज़ पीपल जो हैं वो एक ही मुल्क तक महदूद हैं ज़्यादातर, अगर बाहर गए भी हैं तो उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए चाइनीज़ ज़ुबान जो है वो इंटरनेशनल ज़ुबान नहीं बन सकी। अगरचे मैक्सिमम लोग जो है चाइनीज़ ज़ुबान बोलते हैं दुनिया की, यानी को 1.5 अरब के करीब लोग जो हैं दुनिया में वो चाइनीज़ ज़ुबान बोलते हैं। तो इंग्लिश जो है ये थर्ड नंबर पर आती है, अगर उर्दू हिंदी को हम एक ही ज़ुबान कंसिडर करें तो इंग्लिश जो है वो थर्ड नंबर पर आती है, कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। लेकिन ये वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड का मतलब ये यूरोप के बहुत से मुल्कों में ये बोली जाती है, अमेरिका में बोली जाती है, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में बोली जाती है, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। इसके अलावा बहुत से मुल्क जो है इसे एज ए सेकेंड लैंग्वेज चला रहे हैं, तो इसलिए ये दुनिया में वाइड स्प्रेड है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपना पैगाम जो है दुनिया के मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और आपका पैगाम जो है मैक्सिमम एरिया में पहुंच सकता है। दैट मींस आप यूट्यूब को देख लें, अगर आपने इसमें उर्दू ज़ुबान में लेक्चर बनाया तो इसकी रीच जो है कम होगी, लेकिन अगर आप इंग्लिश ज़ुबान में लेक्चर बनाएँ तो इसकी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद जो मॉडर्न नॉलेज है, जदीद उलूम जो हैं वो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में मौजूद हैं, इसलिए अंग्रेज़ी ज़ुबान काफ़ी अहमियत है। फिर पाकिस्तान के लिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज, और आई थिंक इंडिया में भी ये इंग्लिश ही जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, कि सरकारी खतो किताबत और सरकारी दस्तावेजात जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती हैं। इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में इंग्लिश की अहमियत इसलिए भी है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके बाद टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी हम ये ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के लोग अगर हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो अगला बंदा बड़ा इम्प्रेस होता है, कहता है यार ये तो बड़ा कोई, हम उर्दू बोलें ना किसी के सामने, पंजाबी बोलें या हिंदी बोलें, तो वो अगला कहेगा नहीं यार ये तो बस ऐवें ही है। लेकिन जब हम अंग्रेज़ी बोलेंगे तो वो अगला बंदा बड़ा इम्प्रेस होगा हमसे और कहेगा यार ये वाकई पढ़ा लिखा बंदा है, कोई वेल एजुकेटेड बंदा है, इंग्लिश बड़ी आती है। तो ये इम्प्रेस करने के लिए भी हमें इंग्लिश ज़ुबान की ज़रूरत पड़ सकती है। और हाउ मेथड्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखने के जो तरीके हैं वो तीन तरीके हैं, और पहला तो है बी नेटिव, आप नेटिव बन जाएं, मुकामी बन जाएं।
यानी किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएं, वहाँ मकामी बन जाएं, आपको इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो है डायरेक्ट मेथड, जिसको बराह रास्त तरीका कहते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तो ये इस्तेमाल होता है जिसमें इंग्लिश को आपने इंग्लिश में सीखना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और हम ज़्यादातर जिस तरीके से सीखते हैं इंग्लिश वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन यानी ग्रामर और तर्जमे के ज़रिए, दैट मीन्स कि हम जिस ज़ुबान को समझते हैं, दैट मीन्स उर्दू या हिंदी या पंजाबी या जो भी हम ज़ुबान बोलते हैं, उस ज़ुबान में अंग्रेज़ी को सीखना ग्रामर की मदद से, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। आमतौर पर पाकिस्तान में इसी तरीक़े से इंग्लिश सीखी जाती है। तो जितने भी ये तरीके हैं, इनके कुछ फ़वाद हैं, कुछ इनके नुकसान हैं। तो मैंने जो तरीका बनाया है इंग्लिश सीखने के लिए, वो डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन का एक मिक्सचर है, जिसके ज़रिए हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा टोटली इंट्रोडक्टरी था, और कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंग्लिश को बेस से शुरू करेंगे, यानी किस तरह इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और किस तरह इंग्लिश के फिक्र स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और मेरा ख्याल है ये कोई 100+ लेक्चर्स की सीरीज़ बनेगी, जिसमें हम इंग्लिश को यूँ समझ लें कि फ्राम A to Z हम इसको जो है डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।